कंटिन्यू करते हैं सैंपल सैंपलिंग एंड सैंपल प्रिपरेशन। ये एनालिसिस के अंदर कोई भी फूड एनालिसिस है जैसे, तो उसके अंदर सबसे मेन स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप है कि सैंपलिंग। सैंपल से मुराद ये है कि हमने पूरी, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है तो, या बिस्किट्स की बात करते हैं क्योंकि हम फूड एनालिसिस की बात कर रहे हैं, फिर एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है उसके अंदर हजारों बिस्किट दिन के बन रहे हैं, तो हम हर एक बिस्कुट को चेक नहीं करेंगे कि क्या ये ठीक बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो हम बीच में से रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ एक पैटर्न में सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें से कुछ चूज करेंगे बिस्किट्स को और उनको क्वालिटी असेस करेंगे, उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये पूरी पॉपुलेशन का जो है वो ये एक स्टैंडर्ड है, कि ये इस पूरी पॉपुलेशन के जो भी क्वालिटी है, जो भी इसके क्राइटेरिया है, जो भी इसके पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे इस तरह के हैं। ठीक है, तो सैंपलिंग का मकसद ये होता है। तो अगर आपकी सैंपलिंग गलत हो गई, आपने ऐसे कुछ और चीज चूज कर ली, या आपने कुछ वैसे ही जो ऐसा सैंपल चूज कर लिया जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आप उसकी बेस पे हो सकता है पूरे का पूरा जो लॉट है या जो पूरे का पूरा सामान है उसको रिजेक्ट कर दें, या हो सकता है आप कुछ ऐसे सैंपलिंग गलत कर बैठे कि आप चूज अच्छी वाली चीजें कर लें उनमें से, और पूरा का पूरा लॉट आप, या पूरा का पूरा जो है वो एक जो सामान इकट्ठा आया आप उसको सिलेक्ट कर लें और आप बाद में नुकसान हो जाए। ठीक है, तो सैम्पलिंग जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंट्रोडक्शन क्या है कि एक ऑब्टेनिंग अ पोर्शन और अ सैंपल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन इज रेफर्ड टू एज सैम्पलिंग। जो इसके अंदर मेन वर्ड है वो रिप्रेजेंटेटिव है, कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वो शो करना चाहिए कि भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसमें एक नुमाइंदा होता है कि एमएनए होता है, पूरे शहर को रिप्रेजेंट करता है। एक बंदा है, आप अपने घर से आते हो, आप पूरे घर को रिप्रेजेंट करते हो कि इसकी फैमिली कैसी होगी, ये जिस तरह बिहेव करता है, तो वो सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट है। तो आप भी एक सैंपल है मुबारक हो। ठीक है, तो इस तरह जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आगे, टोटल क्वांटिटी फ्रॉम इज सैंपल इज ऑब्टेंड इट कॉल पॉपुलेशन। पूरी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, 1000 बिस्किट अगर बने हैं एक फैक्ट्री के अंदर, तो 1000 को हम कहेंगे पॉपुलेशन। उसमें से आपने 20 लिए फॉर सैंपल टू चेक अप क्वालिटी, या कुछ भी पैरामीटर आपने चेक करना था उसको आपने कह दिया सैंपल। सैंपल करना क्यों है, मतलब सैंपलिंग से का फायदा क्या होगा कि एक तो टाइम बचेगा, एक्सपेंसेस बचेंगे, पर्सनल यानी कि जो उसको टेस्ट करेंगे वो बचेंगे, वो कम चाहिए होंगे। थोड़े के साथ हम एक पूरे का अंदाजा लगा लेंगे कि क्या ये हमारा जो काम है वो ठीक है या नहीं। आगे है सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि मतलब जो सिंपली वही बात जो पहले मैंने स्टार्ट में कर दी कि सैंपल सिलेक्शन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरी पॉपुलेशन कैसी है, ये पूरा जो 1000 बिस्किट है ये कैसे हैं, वो एक या दो बिस्किट जब वो डिसाइड करें कि ये पूरा पीछे 1000 बिस्किट कैसा है। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रूली और अच्छे तरीके से जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। आगे, उसके डिफरेंट मेथड है सैम्पलिंग प्रोसीजर सिलेक्शन के, यानी कि सैम्पलिंग का प्रोसीजर, कौन सा सैम्पलिंग का प्रोसीजर हमने सेलेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट टेक्निक। तो सैंपल जो है वो टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन, आगे पहले उसने पॉपुलेशन की टाइप बता रहा है, आगे प्रोसीजर है। अच्छा, जो दो तरह की पॉपुलेशन होती है, एक होती है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जो फाइनाइट पॉपुलेशन है ये होती है एक लिमिटेड नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, एक क्लास के अंदर 70 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हम गिन रहे हैं, हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बोरियां मतलब लॉट्स। ठीक है, तो हमें क्या पता है, साइज ऑफ लॉट इज दिस, फिक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो ये क्या हो जाएगी फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो होती है उसकी कोई रेंज नहीं होती। ठीक है, अगर एक क्लास में या एक जगह पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 70 हैं तो 70 ही रहने हैं, वो ऐसा नहीं है कि हर मिनट चेंज हो रहा है। लेकिन इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या है कि नंबर ऑफ टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन मेड ऑफ अ लॉट ऑफ लॉट ओवर टाइम, मतलब कि अगर एक मेड ऑफ अ लॉट ओवर टाइम, एक लॉट का या एक सामान है या बिस्किट है वो बन के आ रहा है, या एक टेम्परेचर ओवन है उसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, वो हर सेकंड डिफर कर सकता है, हर मिनट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और उसकी नंबर ऑफ रेंजेस आएंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आप 10 10वीं बार भी एक क्लास के अंदर बैठ के गिनोगे ना कि कितने बच्चे बैठे हैं, तो वो 70 हैं तो 70 ही रहेंगे, आए कोई जाए ना, कोई आए ना कोई जाए इनकेस। ठीक है, अगर एक गोदाम में 100 बोरियां पड़ी हैं तो वो 100 की 100 ही पड़ी रहनी है, जब तक आप निकालोगे नहीं या उसमें ऐड नहीं करोगे। लेकिन अगर टेम्परेचर है, एक ओवन है, उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, अगर अब मेजर कर रहे हो सकता है 10 डिग्री है, 10 मिनट बाद मेजर करोगे 20 डिग्री आएगा, 10 मिनट बाद करोगे 30, तो वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, उसकी कोई रेंज नहीं है, जितनी बार मेजर करोगे हो सकता है डिफरेंट वैल्यू आए। तो इस तरह दो तरह की हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। अब वो अगली बात करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन टाइप द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सैंपलिंग आर कंपेयर्ड टू अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यू टू इंश्योर द पॉपुलेशन सैंपल इज विद इन स्पेसिफिकेशन। वो कहते हैं कि आप बेशक फाइनाइट पॉपुलेशन है, बेशक इनफाइनाइट पॉपुलेशन, जब भी आपने सैंपल सेलेक्ट करना है तो जिस पॉपुलेशन के अंदर से आपने सैंपल सेलेक्ट करना है उसकी कुछ क्राइटेरियाज आपने पहले से सेट रखने हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन पहले से सेट रखनी है कि ये वाली पॉपुलेशन जो है वो हम सैंपलिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस स्पेसिफिकेशन पर उस पॉपुलेशन को आना चाहिए।
फिर उसके ऊपर हम बात। अच्छा, अब सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर, तो डेटा ऑब्टेन फ्रॉम एन एनालिटिकल टेक्निक, ये एज इट इज हमने याद कर लिया था, उस टाइम पे इतना कुछ आया नहीं था। सैम्पलिंग है, ठीक है, सैम्पलिंग के बाद सैम्पल प्रिपरेशन है। सैम्पलिंग से मुराद ये है कि हमने चूज कर लिया कि ये चार बिस्किट हमने चूज करने। सैम्पल प्रिपरेशन ये है कि वो बिस्किट्स हमने उठा लिए, उसके बाद उसके लेबोरेटरी एनालिसिस किया, लेबोरेटरी के अंदर उसको एनालाइज किया उन बिस्किट्स को, फर्ज कर लो इसका हमने मॉइस्चर वो चेक करना था, मॉइस्चर कंटेंट क्या है इस बिस्किट का, ठीक है, इस पूरे लॉट का, सारे हजारों बिस्किट का, उनमें से हमने 10 चूज कर लिए, वो सैम्पलिंग होगी। सैंपल प्रिपरेशन से मुराद ये है कि वो सैंपल हमने वहां से चूज किए, पहले हमने चूज किया कि हम हर 10वें नंबर वाला जो है ना बिस्किट चूज उठाएंगे, ये हमारी सैम्पलिंग होगी। बस सैंपल प्रिपरेशन जो है कि उसको हम लेबोरेटरी में ले गए, लेबोरेटरी में जाकर उसका एनालिसिस किया, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद उसकी डाटा प्रोसेसिंग की कि उससे हमें पता, एनालिसिस किया उससे हमें पता चला कि ये इसके अंदर ये इतना मॉइस्चर है, ठीक है। उसके बाद डाटा प्रोसेस किया कि अच्छा इतना मॉइस्चर ओके है नहीं ओके, मतलब उससे निकला है कि इतने इसके अंदर, जैसे करना इस बिस्किट के अंदर 10% जो है वो मॉइस्चर है, ये डाटा प्रोसेस हो गया। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन किया कि क्या ये हमें चाहिए था 8-7% मॉइस्चर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ये 10% निकला है। तो हमने डाटा इंटरप्रेट क्या किया कि ये जो लॉट है ये सारी की सारी क्या है, खराब लॉट है, इसके अंदर जो सामान है, लॉट एक किस्म से बल्क ऑफ मटेरियल कह लो, ठीक है, तो ये लॉट है ये खराब है। अगर वो पूरा एग्जैक्टली 7 आया, 7 से कम आया मॉइस्चर, फर्ज कर लो, आप क्या कह दिया कि हाँ जी डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये सारी। अच्छा, जो सेंटर में एक दायरा बना हुआ है डाटा ऑब्टेन फ्रॉम एनालिटिकल टेक्निक, इसकी तरफ सारों के इशारे हैं, इसका मतलब ये है कि सैम्पलिंग करके उसके बाद वहां से कोई डाटा आएगा कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया, सैंपल प्रिपरेशन करते हुए कोई ना कोई डाटा आएगा वो भी हमने एक तरफ कर लिया, लेबोरेटरी एनालिसिस से भी कुछ डाटा आएगा, तो अल्टीमेटली सारों का डाटा आके कॉमन हो, ठीक है, वो आपकी एक रिपोर्ट बनती है उसकी कि सैम्पलिंग हमने ये की थी, सैम्पल प्रिपरेशन में हमने ये किया, लेबोरेटरी एनालिसिस में हमने ये किया, डाटा प्रोसेस के थ्रू ये रिजल्ट आए, ये हम उसके अंदर क्या था, उसके बाद डाटा इंटरप्रेट करके हमारे पास ये सेंटर में एक किस्म से पूरी सैम्पलिंग प्रोसीजर की क्या है, रिपोर्ट है। आगे है एरर एंड एक्यूरेसी। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्यूरेसी, एरर के उसके अंदर इश्यूज कितने, एक्यूरेसी मतलब कितनी जो है ना बची। अच्छा, थोड़ी सी इसके अंदर आगे जो है ना एक लफ्ज है एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन, इसके अंदर फर्क क्या है। एरर कैन अकर एट एवरी स्टेप इन प्रोसीजर। अब लंबा सारा प्रोसीजर है ना, पहले आटा लिया, उसको छाना, गूंदा, बनाया, आगे सारा प्रोसीजर किया, तो हर स्टेप के ऊपर एरर के चांसेस है, आटा लेते हुए, खरीदते हुए भी, उसको छानते हुए एरर आ सकता है, उसको गूंदते हुए एरर आ सकता है, उसको बेक करते हुए एरर आ सकता है, हर एरर हर स्टेप पे एरर के चांस। तो एट द एंड आप क्या करोगे, आप सारे के सारे एरर्स को कंबाइन करोगे ताकि आप टोटल एरर जो है वो फाइंड कर सको कि फाइनल एरर क्या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरियंस और प्रिसीजन। वेरियंस क्या है, वेरियंस इज एस्टिमेट ऑफ अनसर्टेनिटी एरर, अनसर्टेनिटी का मुराद ये होता है कि एरर कितना है, ठीक है। अब आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि बिस्किट का मॉइस्चर कंटेंट 7% होना चाहिए था, तो अगर किसी का 11% आया है किसी बिस्किट का, तो इसका क्या मतलब है कि वो 4 पॉइंट से या 4% से क्या कर गया, वेरी कर गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये अनसर्टेनिटी। प्रिसीजन इज मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डेटा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डेटा से क्या मुराद है कि आपने 10 बिस्किट चूज किए थे, अब इसके अंदर आप ये नहीं देख रहे स्टैंडर्ड से कितना दूर है या स्टैंडर्ड के कितना नजदीक है, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि 10 बिस्किट आपने चूज किए थे, 10 के 10 के अंदर मॉइस्चर कॉन्टेंट 11 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 11 एक के अंदर अगर 11 आ रहा है तो बाकियों के अंदर भी 11 आ रहा है, ठीक है, ये 10 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ऑलमोस्ट क्लियर क्लियर करीब करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा जितना कम डिफरेंस होगा वैल्यूज का डिफरेंट सैंपल्स के अंदर, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ या डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सैंपल के अंदर, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रिसीजन हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पूरे के अंदर जो है वो एक ही तरह का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर एक बिस्किट है जो आपने पहला सैंपल के अंदर 10 बिस्किट चूज किए थे, तो बिस्किट नंबर 1 का जो है वो मॉइस्चर आता है जी 10%, अगला बिस्किट आता है उसका 20 आ रहा है, अगला आता है उसको 25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लो प्रिसीजन है, बहुत ज्यादा वेरियंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके मतलब वेरियंस नहीं इसके अंदर आएगा, इसके अंदर ये कि उनके दरम्यान में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल पॉपुलेशन जो है ये एक सूटेबल नहीं है, तो जो है ना पीछे कहीं एरर है जिसकी वजह से एक बिस्किट और मॉइस्चर पे आ रहा है, दूसरा और मॉइस्चर पे आ रहा है, ठीक है, तो दैट विल बी प्रिसीजन। एक्यूरेसी इज के इज अ मेजर हाउ क्लोज द डेटा आर टू द ट्रू वैल्यूज के जो हमने बिस्किट किया। अब एक्यूरेसी क्या होगा कि अगर एक बिस्किट है उसकी 10 मॉइस्चर है और हमारा स्टैंडर्ड 7 था, इसका मतलब यह है कि वो उसके करीब करीब है,
एक बिस्किट अगर हमने ओवरऑल देखा कि सारे बिस्किट का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 20, 25, 22, 23 है और हमारा जो स्टैंडर्ड था वो 7 है, इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी अब क्या हो गई है, कम हो गई है। जो मीन वैल्यू थी, जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी हमारी, उससे जो है वो डेटा जो है वो हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा दूर चलेगी, इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी जो है वो खराब हो। तो अगर हम यहाँ पे शुगर लेवल की हमने बात की है बिस्किट के अंदर, ये कहते हैं कि 1 ग्राम पर बिस्किट शुगर होनी चाहिए। अब आपने 5 बिस्किट लिए तो हाई एक्यूरेसी क्या होगी कि सारे बिस्किट की जो शुगर लेवल है वो 1 के करीब हो। ये मॉइस्चर की बात कर रहे थे तो सारे बिस्किट का जो मॉइस्चर लेवल है वो 7 के करीब हो, राइट। अरीबा, अरीबा आर यू नॉट फ्रॉम लाइक सेकंड सेमेस्टर? तो ये फोर्थ की मीटिंग चल रही है, सेकंड वाली अब बाकी शाम को जिसने मैंने पढ़ा दी, अगर आप अभी भी मीटिंग। अच्छा उसके बाद जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाई प्रिसीजन के अंदर ये है कि तमाम के तमाम बिस्किट का सेम लेवल हो, बेशक ट्रू वैल्यू से 20 यूनिट दूर है, ट्रू वैल्यू हमने 7 रखी थी या यहाँ पे 1 रखी है, बेशक सारे का सारा का सारों का ही 20 है लेकिन है सारों का ही एक जैसा, सारों के अंदर जो मॉइस्चर है वो 20 ही है, फर्ज का बेशक 7 से बहुत दूर है लेकिन है सारों में कॉमन, तो ये क्या हो जाएगी हाई प्रिसीजन। और हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन क्या होगी कि सारे बिस्किट्स की अगर वैल्यू 1 ग्राम आ जाए, आए भी 1 ग्राम और आए भी सारों की, तो ये हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी। अब ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है सेंटर के अंदर, ठीक है। अगर सारी वैल्यू इसी के ऊपर आ रही हैं और सारी की सारी वैल्यू इसी के ऊपर आ रही हैं तो हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी। अब ये वाली वैल्यू है तो एक्यूरेसी से दूर, मतलब मीन वैल्यू से या ओरिजिनल वैल्यू से दूर है लेकिन है सारी एक जगह ही, तो ये क्या होगा, ये आ गई लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। अगर ये सारी की सारी वैल्यू पास है उसके मीन वैल्यू के या स्टैंडर्ड वैल्यू के लेकिन है एक जगह नहीं, सारी उसी की कोई वैल्यू किसी की कोई वैल्यू है, जैसे एक अगर हमने 7 स्टैंडर्ड रखा तो कोई 6 है, कोई 5 है, कोई 8 है, कोई 7 भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारी आ जाएगी हाई एक्यूरेसी, मतलब वैल्यू ऑलमोस्ट सारी नियर नियर है लेकिन लो प्रिसीजन, एक वैल्यू नहीं है सारों, सारे बिस्किट का मॉइस्चर कंटेंट सेम नहीं, ठीक है। और लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन क्या है कि एक तो वैल्यू भी सारे को डिफरेंट हो, एक 70 पे, एक 100 पे, एक 80 पे और एक जो है वो 90 पे, जबकि हमारा स्टैंडर्ड क्या था 7, ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। होप सो इट्स क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट में आप बता सकते हो, चैट मेरी साथ साथ ओपन, ठीक है। आगे है सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान ये होता है कि एक पूरा प्लान जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक मिनट, आप सैंपल सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट कर लिया कि हम हर 10वें नंबर वाला बिस्कुट चूज करेंगे, विदड्रॉल करते हो सैंपल वहां से, उठाते हो, फिर ट्रांसपोर्ट करते हो, उसको लेबोरेटरी में लेके जाते हो, वहां पे प्रिपरेशन करते हो उस सैंपल की, प्रिपरेशन ऑफ द पोर्शन टू बी रिमूव फ्रॉम अ लॉट ऑफ सैंपल, तो उस सैंपल में से फिर जो आपने पोर्शन, उस सैंपल में से भी जो जो पोर्शन के आपने जो रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर बड़ी चीजें होती है ना उनके अंदर पूरा का पूरा वो नहीं करना होता, हर पूरे के बिस्किट, अगर बिस्किट की मिसाल रख लो ज्यादा हम आगे नहीं जाते, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द पोर्शन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ सैंपल, तो उस सारे सैंपल्स में से जो भी हमने पोर्शन रखना है तो उस पूरे को प्लान को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग प्लान। पहले डिटरमाइन करना है कि प्रोसीजर क्या है, ड्राफ्ट बना लेना दिमाग में, फिर सेलेक्ट करना है, फिर विदड्रॉल करना है, फिर प्रिजर्व करना है ताकि सैंपल में एरर ना आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन में भी एरर से बचना है, फिर पोर्शन बनाने हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए, याद कैसे करना है ये छोड़ दो, याद हो जाएगा। सैम्पलिंग प्लान, अ वेल ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रिक्वायर्ड प्रोसीजर टू अचीव प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। सैम्पलिंग प्लान जो एक डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर हम बताया जाता है कि इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरह विड्रॉल करेंगे, प्रिपेयर इस तरह करेंगे, ट्रांसपोर्ट इस तरह करेंगे, प्रिपेयर इस तरह करेंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे मेथड उसके अंदर हमने बताने होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है ताकि अल्टीमेटली हमारे जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने क्वालिटी ऑफ बिस्किट चेक करनी है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बिस्किट चेक करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि अल्टीमेटली हमने उसको अचीव करना है। इट शुड एड्रेस द इश्यू ऑफ हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कंसीडर होनी चाहिए, हु विल डू द सैम्पलिंग, व्हाट विल बी द सैंपल, वेयर इट विल बी डन, व्हाई इट विल बी डन एंड हाउ इट विल बी डन, तो सारा कुछ इसके अंदर लिखा होना चाहिए। द प्राइमरी एम ऑफ सैम्पलिंग इज टू ऑब्टेन अ सैंपल, वही ऊपर वाली बात कह दी है कि सैम्पलिंग का मकसद सिर्फ यही होता है कि एक सैंपल आ जाए जिससे साइज कम हो जाए और दैट विल सेटिस्फाई द सैम्पलिंग प्लान स्पेसिफिकेशन, और वो साथ साथ सैम्पलिंग प्लान स्पेसिफिकेशन ये है कि थोड़े
चीज के जरिए आपने पूरे के ऊपर एनालाइज करना है, पूरे को इंटरप्रेट करना है कि पूरी पॉपुलेशन का क्या स्टेटस आगे। ठीक है, होप सो इट्स क्लियर यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। सैम्पलिंग प्लान के अंदर सैम्पलिंग प्लान शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पलिंग ऑब्जेक्टिव। पहला तो जब सैम्पलिंग प्लान आपने सेलेक्ट करना है ना, तो आपका पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्या आप चाह रहे हैं टू एस्टिमेट एवरेज वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या आप चाह रहे हो कि तमाम, फर्ज कर लो आप मिसाल के तौर पे आप चेक करना चाह रहे हो कि ओवरऑल एक मीन वैल्यू ऑफ बिस्किट्स के अंदर चीनी का लेवल, जो मॉइस्चर कॉन्टेंट मीन क्या, आपने स्टैंडर्ड नहीं रखा, आप सिर्फ चेक करना चाह रहे हो कि ओवरऑल क्या मॉइस्चर कॉन्टेंट चल रहा है। आप 1000 बिस्किट में से 20 उठा लेते हो, 20 को आप कहते हो उनका मॉइस्चर कॉन्टेंट चेक करते हो, उन सबकी एक एवरेज वैल्यू निकालते हो उस बेस पे, तो उस बेस पे सैम्पलिंग प्लान डिफर कर जाएगा। और अगर आप ये चाहना चाहते हो कि दूसरा पॉइंट यही है उसके अंदर कि आपने देखना है कि ये जो मीन वैल्यू आई है ये स्टैंडर्ड से कितनी दूर है, तो ये दो उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद स्टडी पॉपुलेशन कौन सी है, हमने ऊपर बात की फाइनाइट या इनफाइनाइट। स्टेटिस्टिकल यूनिट क्या होता है, स्टेटिस्टिकल यूनिट ये है कि किस फॉर्म में मॉइस्चर के आगे ग्राम मिलीग्राम जो भी सीन है वो स्टेटिस्टिकल यूनिट आएगा। उसके अलावा स्टेट मतलब ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, स्टेटिस्टिकल यूनिट जो है ना स्टैट वाले सही समझा सकते हैं क्या होता है। सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया कि सैंपल किस बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे, और द एनालिसिस प्रोसीजर और किस तरह उसको एनालाइज करना लेबोरेटरी के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है वो सैम्पलिंग प्लान को डिजाइन करती हैं, और उसके अंदर फिर वो हम सैम्पलिंग प्लान को कंसिडर करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग प्लान ये एज इट इज रटा मार लो, इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो। पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन के हम क्यों करना चाहते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ टेस्ट मेथड एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन, तो यही ऊपर वाली बातें थोड़ी सी इधर उधर हेडिंग्स में मैंने खुद कर दी थी। पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन हम क्यों करना चाह रहे हैं, अगर पर्पज ये है कि मतलब अगर मेरी अपनी फैक्ट्री है तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं, ठीक है, मेरा ये पर्पज होगा कि मैं इस लॉट को एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। या अगर कोई बायर से आएगा तो उसका बेसिक पर्पज यही होगा कि वो रिजेक्ट करने की नीयत से आया है, अगर कोई बायर से आ रहा है, ठीक है। चेकिंग टीम आ गई, इज इट टू मेजर द एवरेज क्वालिटी ऑफ लॉट, क्या हम एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एवरेज क्वालिटी जो है ना वो चेक कर लें कि इसकी एवरेज क्वालिटी क्या है। इज इट टू डिटरमाइन द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्या हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर एक चीज और दूसरी चीज के अंदर के क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, या स्टैंडर्ड से कितनी दूर जा रहे हैं, तो ये सी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इज इट होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। होमोजीनियस हेटरोजीनियस मुराद ये है कि कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं उसके हम देखते हैं कि क्या ओवरऑल मॉइस्चर कॉन्टेंट एक ही चल रहा है, या बिस्किट के एक हिस्से में मॉइस्चर कॉन्टेंट और है दूसरे हिस्से में और है, बिस्किट का एक एरिया तो होता है ना। वट इज द यूनिट साइज, हम ये चेक करना चाह रहे हैं, मतलब अगर हम मॉइस्चर कॉन्टेंट नहीं चेक कर रहे तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो बिस्किट एक बन के आ रहा है उसका साइज, या अगर हमने वो पैकेट जिस पापड़ों का एक पैकेट है, लेज का एक पैकेट है, तो उसके अंदर वेट उसका क्या है, तो यूनिट साइज क्या है वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाउ कंसिस्टेंटली है पास्ट पॉपुलेशन मेट स्पेसिफिकेशन, और पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं इसी के अंदर सैम्पलिंग प्लान के अंदर, कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिफर करती है सैम्पलिंग प्लान के अंदर, कि पहले अगर पहले से ही आपका पहले 10 टेस्टिंग हो चुकी है और उसके अंदर हर चीज परफेक्ट जा रही है तो सैम्पलिंग प्लान इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर पहले से इशू आ रहे थे तो इस बार सैम्पलिंग प्लान स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। वट इज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल बीइंग सैम्पल्ड, और सैंपल की जो है वो कितनी कॉस्ट है उसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि अगर महंगा सैंपल है या महंगा प्रोडक्ट है तो हम उसके सैम्पलिंग प्लान के अंदर लिखेंगे कि हमने सैंपल थोड़ा सेलेक्ट करना, ठीक है, और जाया होने से बचाना है, सारे क्राइटेरिया फिर उसी हिसाब से सैम्पलिंग प्लान। नेचर ऑफ टेस्ट मेथड, इज द टेस्ट क्रिटिकल और माइनर। नेचर ऑफ टेस्ट, अब क्योंकि हमने सैम्पलिंग प्लान के अंदर ये भी बात की थी ना कि हाउ इट विल एनालाइज, यहाँ पर हमने जो बात की थी इधर गया जो क्वेश्चन था, यहाँ पर पॉइंट था ये हु व्हाट वेयर व्हाई एंड हाउ, तो जो हमने व्हाई हाउ किया था तो इसका मतलब ये था कि सैम्पलिंग इसका एनालिसिस का प्रोसीजर क्या होगा, तो टेस्ट क्रिटिकल है या माइनर है, टेस्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। विल समवन बिकम सिक और डाई इफ द पॉपुलेशन फेल्स टू पास द टेस्ट, और अगर ये बिस्किट्स का फर्ज कर लो बिस्किट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो, या इसके अंदर ये बिस्किट जो है वो क्राइटेरिया पे नहीं आता, तो क्या ऐसा कोई सीन तो नहीं है कि जो लो पॉपुलेशन को कंज्यूम करेगी वो डाई कर जाएगी, अगर इन इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मौत हम बात हो सकती है, इसकी वजह से पीपल डाई कर सकते हैं अगर टेस्टिंग ना सही हुई, मतलब अगर ये रिजेक्ट नहीं किया, इन शॉर्ट अगर मतलब सिवियरिटी या क्रिटिकलिटी ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट के फर्ज कर लो अगर जो टेस्टिंग है वो सही तरह से ना की जाए, कि उसका प्रॉपर एक ना एनालाइज किया जाए, हो सकता है आप सही वाले खराब सैंपल को सही कह के आगे भिजवा दें और उसके कंजम्पशन से जो है डेथ हो जाए, तो इस वजह से अगर आपको इस तरह रिस्क होता है कि इसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर डेथ्स हो सकती हैं, तो आप ज्यादा क्रिटिकली और ज्यादा सेंसिटिवली जो है वो टेस्ट चूज करेंगे, टेस्ट मेथड वो चूज करेंगे। इज द टेस्ट डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव, के
टेस्ट डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव के अंदर ये है कि डिस्ट्रक्टिव से मुराद ये है कि जब बिस्किट्स आप इस्तेमाल करते हो, बिस्किट्स का अगर आप वो चेक करना चाह रहे हो मॉइस्चर कंटेंट, तो उसके अंदर क्या होगा कि पूरा का पूरा बिस्किट खराब हो जाएगा, वो जाया हो जाता है, वो खराब ना जाए कि जब आप चेक कर रहे हो तो वो उसके बाद ही यूज नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये चेक करना बल्ब चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो आप एक बार लगाओगे चेक हो गया, बाद में रखते हो, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये उसके अंदर डिसाइड करना है हाउ मच द टेस्ट कॉस्ट टू कंप्लीट। टेस्ट की कॉस्ट क्या थी, ऊपर हमने नेचर ऑफ प्रोडक्ट सैंपल की कॉस्ट क्या थी, नेचर ऑफ पॉपुलेशन। अब लॉट क्या, लॉट लार्ज या यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मुराद ये कि अगर हम ऐसी कुछ चीज उठा लेते हैं, यूनिफॉर्म सारों के यूनिफॉर्म से सिंपली यही मुराद होगा कि जैसे एक शहर की पॉपुलेशन और होती है। अगर हम कहते हैं क्या मिसाल, मतलब शहर उकाड़ा के लोग और तरह के होंगे, फैसलाबाद के और तरह के होंगे, अगर सिर्फ उकाड़ा के अंदर पॉपुलेशन को हम चेक कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म होगी पॉपुलेशन, और अगर उसमें फैसलाबाद के लोग भी इंक्लूड कर लेंगे, लाहौर के भी कर देंगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। डज द लॉट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर इजीली आइडेंटिफाइबल सब स्लॉट, क्या जो लॉट है उसके अंदर ऐसा सीन है कि उसके अंदर यूनिट्स हैं। यूनिट से मुराद ये कि अगर 1000 बिस्किट की एक लॉट है, तो जानी सी बात है एक बिस्किट क्या है, उसका एक यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट उसके अंदर प्रेजेंट है। स्मॉलर यूनिट्स की वजह से क्या होगा, फायदा क्या होता है कि हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट विद इन द पॉपुलेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एट्रीब्यूट सैम्पलिंग वर्सेज वेरिएबल सैम्पलिंग। अच्छा, दो तरह की सैम्पलिंग होती है, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग या वेरिएबल सैम्पलिंग। एट्रीब्यूट सैम्पलिंग के अंदर हम सिर्फ ये बताते हैं येस और नो, जबकि वेरिएबल सैम्पलिंग के अंदर हम ये बताते हैं कि इसके अंदर कितना, मतलब उसके अंदर कहते हैं क्या, एट्रीब्यूट के अंदर कहते हैं क्या, वेरिएबल के अंदर बताते हैं कितना। तो अगर मतलब कहता हूं मैं, जैसे कहता हूँ कोई बैक्टीरिया है, जिसमें से इधर मिसाल दी हुई है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इन कैंड फूड, तो एट्रीब्यूट सैम्पलिंग करने का मकसद क्या होगा कि हमने सिर्फ बताना है बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, बस दैट्स इट। ठीक है, अगर मॉइस्चर की बात करेंगे तो मॉइस्चर प्रेजेंट है या नहीं है, दैट्स इट। तो ये क्या होगी, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग। जबकि वेरिएबल सैम्पलिंग के अंदर क्या होगा कि अगर बैक्टीरिया है तो उसकी क्या अमाउंट है, अगर मॉइस्चर है तो उसकी क्या परसेंटेज है, तो अमाउंट्स के अंदर बात करें। तो ये इसलिए वेरिएबल के अंदर कॉन्टिन्यूस स्केल आएगा कि इतने 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 इतना, और जबकि एट्रीब्यूट्स के अंदर डायकोटोमस डाटा होगा, एदर येस और नो, इट विल बी येस और नो। जबकि वेरिएबल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्टिन्यूस स्केल है, जितनी भी वैल्यू आ जाए। ठीक है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डन टू डिटरमाइन, ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एक अलग टाइप है, ये उसके अंदर नहीं आती। इसका सिर्फ बेसिक पर्पज ये होता है कि जैसे कोई आपको कोई चीज बेच रहा है, या कोई फैक्ट्री है वो कोई सामान ले रही है, आटो की आटा को उसने वो लिए हैं, थैले लिए, तो वो क्या करेगी, वो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करेगी, मैन्युफैक्चरर कर सकता है, या आपने उस थैले वाले से, जिसने थैले लिए हैं आपने उससे रोटी लेनी है आगे। ठीक है, तो आप उसके अंदर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करते हो, वेदर द प्रोडक्ट और वेदर द रॉ मटेरियल फॉर अ मैन्युफैक्चरर और द प्रोडक्ट फॉर अ कंज्यूमर आर दे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, क्या वो हमें एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं। तो इस तरह ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एक अलग से टाइप है। टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान, डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान है, एक सिंगल सैम्पलिंग प्लान है, इसके अंदर एक सैंपल सेलेक्ट करोगे, उसकी उसी बेस पे आप बता दोगे कि हमने ये सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। डबल सैम्पलिंग प्लान के अंदर 2 सैंपल सेलेक्ट कर लोगे, मल्टी सैम्पलिंग प्लान के अंदर बहुत सारे जो है ना वो आप सैंपल सेलेक्ट करते हो। अब इसके अंदर सीन ये है कि रिजेक्शन लाइन, व्हेन द कम्युलेटिव नंबर ऑफ डिफेक्ट लाइज अबव द रिजेक्शन लाइन रिजेक्ट एंड एक्सेप्टेंस लाइन, व्हेन इट फॉल बिलो द एक्सेप्टेंस लाइन द लॉट कैन बी एक्सेप्टेड। तो इस तरह होता है कि इस तरह करके ना, मैं यहाँ पे करके आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस तरह करके लाइन है। ठीक है, ये रिजेक्शन लाइन इस पे आ जाती है, ठीक है, मतलब एक लाइन लगी, तो वो देखता है उसके अंदर जब भी, मतलब उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जनाब ये एक स्टैंडर्ड है, कि ये एरर उसने काउंट करने के कितने एरर है, कहते हैं कि एक एरर आ गया, दो आ गए, तीन आ गए, एक सैंपल में एरर आया, दूसरे में आया, तीसरे में आया, ठीक है, बाकी एक्सेप्ट कर लिए, 6 एक्सेप्ट हो गए, 3 रिजेक्ट हो गए, एंड एट द एंड हम इनको सम करेंगे, ये 3 आ गए, ये नीचे वाले 6 आ गए। ठीक है, तो जो 3 वाले, तो इसका मतलब ये है कि सैंपल हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर ये ज्यादा होते रिजेक्शन लाइन ऊपर होते एरर, तो वो रिजेक्ट हो जाना था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सिक्वेंशियल सैंपलिंग। सिक्वेंशियल सैंपलिंग होता है कि मल्टी सैंपलिंग की ही आगे टाइप है, इसके अंदर या सिक्वेंशियल सैंपलिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो मल्टी सैंपलिंग है ना, उसका बेसिक मकसद यही है कि एक सैंपल नहीं लेना हमने, बहुत सारे सैंपल लेने। अगर वो सैंपल बहुत सारे हम इस तरह लेते हैं, बजाय कि इकट्ठे सारे सैंपल लेने के, हम कहते हैं कि एक सैंपल हम लेते हैं, उस बेस पे हम बताते हैं कि एक ही सैंपल की बेस पे हम बताएंगे हमने इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या एक और सैंपल लेने की जरूरत है।
अगर इसे आप रिजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिंगल सैम्पलिंग में चला जाएगा। अगर और एक और सैंपल लेंगे उसके बेस पे, फिर यानी कि दो सैंपल होंगे, फिर हम देखेंगे कि अब इस पूरी लॉट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या एक और सैंपल की जरूरत है। तो इस तरह हम इसको आगे लेके चलेंगे। आगे स्किप लॉट सैंपलिंग। इफ देर आर नंबर ऑफ लॉट्स एंड इट श्योर दैट क्वालिटी इज सेम इन ऑल लॉट्स। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर हजार हजार बिस्किट के जो है ना वो 20 डब्बे पड़े हैं और सारे एक ही साथ आए हैं, ठीक है, आप क्या करोगे? आपको पता है कि अगर आप ओनली इफ यू आर श्योर कि सबकी क्वालिटी सेम है तो आप सारे लॉट्स में से सैंपल नहीं लोगे, आप उनमें से 3-4 लॉट पहले, यानी कि पहले मेजर सैंपलिंग फिर उनमें से माइनर सैंपलिंग। तो इस तरह जो है ना वो टाइम और मनी जो है वो बच जाएगा, मुल्क का पैसा बच जाएगा। आगे है रिस्क एसोसिएटेड विद सैंपलिंग। रिस्क एसोसिएटेड विद सैंपलिंग से मुराद सिंपल यही है कि अगर सैंपलिंग ठीक ना हो, अगर आपने सैंपलिंग अच्छी तरह ना की, तो दो तरह के रिस्क हो सकते हैं, कंज्यूमर रिस्क या वेंडर रिस्क। कंज्यूमर रिस्क इस तरह है कि अगर आपने सही चीज को, खराब चीज को आपने सही कह के सैंपलिंग आपने इस तरह चूज की कि आपको टेस्टिंग के अंदर सही मिल गई, हाँ भाई ये ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, कंज्यूमर को रिस्क है, कंज्यूमर डिजीज में आ सकता है, कंज्यूमर को डैमेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस तरह की केसेस क्या है, 5%, ठीक है। जबकि वेंडर रिस्क ये है कि आप जानबूझ के या आप ऐसी सैम्पलिंग कर लें कि जिसके अंदर आपके हाथ जो बीच में कुछ खराब हिस्से हैं वो लग जाए, ठीक है, और उस बेस पे आप पूरे का पूरा जो है वो रिजेक्ट कर दें लॉट, इसका मतलब क्या होगा कि वेंडर बेचने वाला जो है वो नुकसान करेगा, तो इसके अंदर यही है। नेक्स्ट आर सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। अभी तक कोई सवाल है? अच्छा, सैम्पलिंग प्रोसीजर के अंदर ये है कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना उसके अंदर डिफरेंट टाइप, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर हम कोई क्राइटेरिया नहीं सेट करते, जनरल हम चूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सैंपल चूज करने वाला है उसको नहीं पता कि कौन किसको वो चूज कर रहा है, किसको वो सिलेक्ट करेगा, किसके ज्यादा चांसेस हैं। इसका मतलब ये है कि सारे हजार में से हजार बिस्किट है ना, सारों के बराबर चांसेस हैं कि कोई भी बिस्किट चूज किया जा सकता है, ठीक है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर चांसेस कम है। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हम डिफरेंट करते हैं कि अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है ना वो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिक हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि सिर्फ यही चूज किया जाएगा, तो उसके अंदर फिर सारे सैंपल चूज किए जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी की टाइप देखते हैं, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी की देखते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो पहली है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग मैं समझाता जाऊंगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज सिंपली लाइक आपने क्लास के अंदर 70 बच्चे हैं, आपने हर एक को एक नंबर दे दिया रैंडमली, कि इसका एक नंबर है, इसका दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, जिसमें रोल नंबर मिलते हैं, ठीक है। रोल नंबर आपने दे दिया, उसके बाद आप कहते हैं अच्छा जी अब ना 4 नंबर आ जाए, 8 नंबर आ जाए, 20 नंबर आ जाए, 25 नंबर आ जाए, आपको नहीं पता कि आपने किसको कौन सा नंबर दिया था, ठीक है। तो आप इस तरह रैंडमली सेलेक्ट करते हो, तो इट विल बी सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आपके पास पहले से लिस्ट बनी पड़ी है एक से लेकर 10 तक जो है, या एक से लेकर 100 तक जो है, वो इस तरह काम जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि उसके अंदर जो है सारा के सारा सैंपल आप क्या करोगे, आपके पास पूरी लिस्ट है उसकी यूनिट, अब वो सारे के सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक एक चेन आ रही है बिस्किट्स की, तो 1000 बिस्किट एक लाइन में आ रहा है और वो एक बराबर डिस्टेंस पे, बराबर एक सिस्टम पे आ रहा है। आप क्या करते हो, आप पहला यूनिट है वो रैंडमली सेलेक्ट करते हो, आप कहते हो कि चौथे नंबर वाला बिस्किट हम चूज करेंगे, और उसके बाद आप सिस्टम लगा देते हो कि अब इसके बाद हर 7वें नंबर वाला बिस्किट हम चूज करेंगे। तो अब इसके अंदर क्या सीन है कि आपने पहला रैंडमली, अब पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा कोई भी हो सकता था, ठीक है, वो आप एक चूज करते, उसके बाद आप एक लगा देते कि अब मैं ना 7वां या 10वें नंबर वाला बिस्किट, हर 10वें नंबर के बाद एक बिस्किट हम जो है वो सैंपल के लिए चूज करेंगे। तो इट विल बी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इन्वॉल्व डिवाइडिंग द सैंपल इनटू ओवरलैपिंग ग्रुप सो दैट ईच सब ग्रुप इज एज होमोजेनस एज पॉसिबल। अच्छा, सॉरी बच्चों, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर ये होता है कि हम इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग द सैंपल टू ओवरलैपिंग सब ग्रुप सो दैट ई सब ग्रुप इज एज होमोजेनियस एज पॉसिबल।
अब इसके अंदर ये होता है कि हम ग्रुप्स इस तरह बना देते हैं कि ग्रुप्स के अंदर वाले लोग सेम होंगे, लेकिन दोनों ग्रुप आपस में, ये दोनों या चारों ग्रुप जितने भी ग्रुप होंगे वो आपस में डिफर कर जाएंगे। लाइक हम एक ही क्लास के अंदर बॉयज का एक ग्रुप बना देते हैं, एक गर्ल्स का बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि बॉयज के ग्रुप आपस में तो सारे बॉयज एक जैसे हैं ना, और आपस में सारी गर्ल्स एक जैसे, लेकिन दोनों ग्रुप्स को जब कंपेयर करेंगे सब ग्रुप को, तो वो डिफर कर जाएंगे। तो उनके अंदर ग्रुप्स बना देना, फिर दोनों ग्रुप्स में से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह होगा, द प्रोवाइडर रिप्रेजेंटेटिव एंड बिकॉज नो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सक्लूडेड, इसके अंदर कोई भी हम एक्सक्लूड नहीं करते, बस पहले सब ग्रुप्स बनाए, इसके अंदर ज्यादा बेहतर चांसेस आ जाते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग है, इट इन्वॉल्व द डिवाइडिंग द पॉपुलेशन टू सब ग्रुप ऑफ क्लस्टर टू मेक सिमिलर ग्रुप ऑफ क्लस्टर, कोई सिंपल सिमिलर ग्रुप्स बनाएंगे। क्लस्टर शुड बी स्मॉल विद सिमिलर नंबर ऑफ यूनिट इन ईच क्लस्टर, हर क्लस्टर के अंदर जो है वो सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। एनी हेट्रोजेनिसिटी अकर विद ईच क्लस्टर, द क्लस्टर आर सैम्पल्ड रैंडमली एंड मे बी एट द टोटली इंस्पेक्टेड और सब सैम्पल्ड फॉर एनालिसिस, मोर एफिशिएंट लेस एक्सपेंसिव मेथड देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड डिवाइडिंग। मतलब सिंपली होमोजेनस ग्रुप में उनको डिवाइड करेंगे, ठीक ऊपर था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उसके अंदर ये था कि ग्रुप्स के अंदर सेम था, बाहर में आपस में वो ग्रुप्स डिफरेंट थे। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर आपस में ग्रुप सेम है, लेकिन अंदर हेटेरोजेनिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक जर्नल है, इसके अंदर इतना वो नहीं खपो, ठीक है। मैं दोबारा से एक वॉइस भी कर दूंगा इसके ऊपर, मजीद पढ़ के थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा, और एग्जाम्पल दो तीन ऐड कर दूंगा। अभी मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ नहीं रही, मैं सोच के बैठा हुआ था लेकिन भूल गई। नेक्स्ट है कंपोजिट सैम्पलिंग, यूज टू ऑब्टेन सैम्पल फ्रॉम बैग्ड प्रोडक्ट फ्लोर सीड एंड लार्ज आइटम इन बल्क, ठीक है। टू और मोर सैंपल आर कंबाइंड टू ऑब्टेन वन सैंपल फॉर एनालिसिस दैट रिड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल। ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो इसके बाद फिर इसको इसी लिंक से दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा। जो बैग प्रोडक्ट कंपोजिट सैम्पलिंग, बेसिकली जो बैग प्रोडक्ट होते हैं ना, लाइक फ्लोर है, सीड्स हैं, जिनके जो थैलों में आ रहा है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये होता है कि दो या तीन बैग से सैंपल को लेके उसको मिक्स कर लिया जाता है, और उसमें से फिर एक सैंपल चूज कर लिया, मतलब दो तीन बोरियों से आपने गंदम के दाने निकाल लिए, जो भी फ्लोर है जिसमें आटा निकाल लिया, उसको मिक्स करके फिर उसमें से आपने सैंपल चूज कर लिया, ठीक है। FDA, FSIS, Composite 12 and at least 6 sub-samples respectively, मतलब कि 12 या 6, FDA जो है वो 12 इस तरह के कंपोजिट सैंपल लेता है, और FSIS जो है वो 6 सब सैंपल लेता है एनालिसिस करने के लिए, न्यूट्रिशन लेबलिंग।